है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रेडमी नोट 11 को कंपेयर करने वाला हूँ रेडमी नोट 10S के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो Redmi Note 11 में आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है। Redmi Note 10S में 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है। Redmi Note 11 में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड Redmi Note 10S में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पे दोनों ही में आपको 1080x2400 पिक्सल्स मिल जाते हैं। दोनों ही में आपको DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है। Redmi Note 11 में 1000 nits का ब्राइटनेस मिलता है एंड 10S में 1100 nits का ब्राइटनेस मिलता है। Redmi Note 11 में आपको जो है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है एंड Redmi Note 10S में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। Redmi Note 11 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। एंड Redmi Note 10S में 64 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। Redmi Note 11 में Snapdragon 680 का जो है वो आपको प्रोसेसर मिलता है एंड Redmi Note 10S में MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे आपको Redmi Note 11 में अप टू 6GB रैम एंड 128GB का रोम मिलता है। दोनों ही में आपको जो है वो सेम मिलता है। दोनों ही में आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है। दोनों ही में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। दोनों ही में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको USB Type-C का पोर्ट, Android 11 जो है आपको मिल जाता है। दोनों ही में MIUI 13 का अपडेट मिलता है। दोनों ही में आपको जो है वो 4G नेटवर्क सपोर्टेड मिल जाते हैं। दोनों ही में आपको डुअल स्पीकर, गोरिल्ला ग्लास, IP53 का रेटिंग, आयर ब्लास्टर वगैरह के अपडेट सब जो है वो सपोर्ट मिल जाते हैं। और जो परफॉर्मेंस बूस्ट है वो आपको 33% जो है वो बेटर परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek के Helio G95 में इन कंपेयर टू Snapdragon 680 SoC। और प्राइस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको Redmi Note 11 में 4GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 13,499, 4GB 128GB का 14,499, 6GB 128GB का 15,499। वहीं Redmi Note 10S में 6GB रैम एंड 64GB का 14,999, 6GB रैम एंड 128GB का 16,499 एंड 8GB 128GB का 17,499। सो गाइज, इन दोनों फोन्स में कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो काफी जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे आपको जो है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इन Redmi Note 11, और जो Redmi Note 10S है इसमें आपको जो है वो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बट परफॉर्मेंस देखा जाए तो Redmi Note 10S में आपको जो है वो अच्छा मिलता है, 33% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है इन कंपेयर टू Redmi Note 11। इसमें आपको जो है Snapdragon 680 का चिपसेट मिलता है, उससे 33% बेटर परफॉर्मेंस आपको MediaTek का Helio G95 में मिलता है। और गाइज, इन दोनों फोन्स में आपको जो है वो बाकी बहुत कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं। बस कैमरे में आपको डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे आपको कैमरा जो है वो आपको Redmi Note 10S में जो है वो बेहतरीन मिलता है। और अगर देखा जाए इन दोनों फोन्स में तो आप जो है Redmi Note 10S के साथ भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे कैमरे वगैरह के साथ आते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है वो रिफ्रेश रेट में थोड़ा बहुत जो आपको ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, 90 हर्ट्ज नहीं मिल रहा है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।